हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आज स्पेशली प्लस वन क्लास का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूं, और क्लास के बाद आपको महसूस होगा भाई हाँ ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो अभी मैं सिंपली अपने लेक्चर्स के थ्रू आप लोगों का सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करूंगा। हमारी प्लस वन केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड यकीन मानिए ज्यादातर स्टूडेंट्स पहले चैप्टर को करते हुए ही हाथ खड़े कर देते हैं, अरे भाई हमसे केमिस्ट्री नहीं होगी या हमसे साइंस नहीं होगी। तो बेसिकली मैं यहाँ इस चैनल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरे लेक्चर्स को सुनिए, ये हमारी सबसे ईजीएस्ट और बेसिक चैप्टर है। मैं इसको बहुत ही आराम से करवाने की कोशिश करता हूं और मैं आपकी उम्मीद तक खरा उतरूंगा, ये मुझे हमेशा यकीन होता है। तो बातें बंद करते हुए मैं आज आपसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक मेन टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। देखिए, जब हम हर शब्द को प्रॉपर तवज्जो देते हैं, समझते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। देखिए, यहां मैं कह रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट। मोल, मोल का मतलब बहुत छोटी चीज, जैसे मोल हमारे यहां पे जो तिल होता है उसको हम मोल कहते हैं। तो मोल का मतलब बहुत छोटी चीज, पर वो इस सब्जेक्ट में कैसे जुड़ा है मैं वो आपको समझाता। आप 11th क्लास में जा रहे हैं, और हाँ आपने 9th और 10th में केमिस्ट्री के बारे में कुछ सुन रखा है। तो बेसिकली ये जो प्लस वन की क्लास है, हम उसमें वो आपके 9th और 10th और लोअर बेसिक्स जो है वो सारे डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए ये जो प्लस वन की क्लास है एक राइट प्लेटफॉर्म है जिंदगी की किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए। आप जितनी अच्छी तरह से प्लस वन क्लास करते हैं आपका रिजल्ट उतना ही बेटर होता है, आप जिंदगी के उन मकाम को इजीली छू सकते हैं अगर आपने प्लस वन को बहुत ध्यान से किया है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं कि भाई प्लस वन में जितनी ज्यादा अपनी पेशेंस बढ़ा सकते हैं बढ़ा लीजिए। चलिए बात शुरू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं, लेट स्टार्ट विद एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कार्बन। अब मैंने शब्द यूज किया एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब होता है प्योर फॉर्म। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। तो आप एनालाइज कर सकते हैं मैं इनको एलिमेंट क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर फॉर्म। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, लैंथेनम, सीरियम, प्रोसियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से 92 एलिमेंट्स जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो मैनमेड एलिमेंट्स, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स उनको कहते हैं। तो शब्द को समझिए, एलिमेंट का मतलब प्योर फॉर्म। तो उसमें मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन एक एलिमेंट है। अगर हम आपसे ये पूछें व्हाट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो ये हम छोटी क्लासेस में करते हैं, अगर आपने वहां सीखा तो बहुत अच्छी बात है। हम कार्बन को C12 से लिखते हैं, यहां 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है, ये इसका मास नंबर है। मास नंबर जनरली न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पड़े हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12, ये जो नंबर है, व्हाट 12 यू।
यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। अब मास, मास का मतलब भार, भार को किस में मेजर करते हैं, मेबी इन ग्राम्स, इन किलोग्राम्स, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन कम्स कि भाई मास ऑफ कार्बन इज, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 U. ओके, यू, व्हाट इज यू? आई एम सेइंग दिस इज यूनिफाइड मास। तो हाउ डू आई राइट 12? ये यू है क्या? दिस इज 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। सो इफ आई से मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 U, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यू। यू इज यूनिफाइड मास हूज वैल्यू इज 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। इसका मतलब अगर मैं एक एटम ऑफ कार्बन का भार जानना चाहता हूं तो 12 U होगा। इसी तरह आप किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के एटम, जस्ट लाइक सोडियम, सोडियम का मास नंबर 23 होता है। अगर मैं इसका मास जानना चाहता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम 23, शाबाश, सिंपली 23 U। अब इसको मैं ओपन करूं, 23 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम्स, इज दैट क्लियर? एग्जैक्टली, इफ आई वांट टू नो मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इज 40, दिस इज 40 U, 40 इंटू 1.66 into 10 raised to power -24 grams. It means there are 118 elements in the periodic table, and if I want to know the mass of an atom of any element, agar main किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जानना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, जितना उसका मास नंबर है वो एस सच लिख लो, उसके साथ यू लगा दो। यू लगाने से वो इन टर्म्स ऑफ यू मास बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी। हाँ, मैंने अभी आपको बताया है यू है क्या, यूनिफाइड मास। आप सिंपली उस U की वैल्यू को याद रखिए, 1.66 इंटू 10 रेज़ टू -24 ग्राम्स, एंड इफ यू मल्टीप्लाई दिस होल यू विल गेट मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम ऑफ दैट एलिमेंट। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट मास ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट, सिंपली नोट दैट मास नंबर। अभी मुझे यहां बतलाने दीजिए, आपको किसी भी हालत में किसी भी एलिमेंट का मास नंबर याद करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको समझ में गिवन होता है। मास नंबर को यू के साथ लिख के यू की वैल्यू को याद रख लीजिए अगर पॉसिबल है। एंड आई टेल यू, साइंस में कोई क्रैमिंग नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो मैं आपको ये बतलाऊंगा ये वैल्यू आई कहां से, इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक एटम का मास बन गया। अब जरा जरूरत है, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत है, तो मैं रफली वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, 19.6, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप देख लेना, कुछ इतनी वैल्यू आएगी, दैट मे बी मोर देन दैट, बट जस्ट चेक इट डाउन। तो अब क्या आप इसका मतलब समझते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है? मैंने कहा 12 इंटू दिस, ओके, मैं इसको खोलता हूं, क्या मैं इसको 19
point something divided by 10 raised to power minus 24 का मतलब 19.6 divided by 10 raised to power minus 24 था, नीचे 24 बन गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, keep on doing up to 24. So, मैं, I'm dividing 19.6 by this number. क्या आप imagine कर सकते हैं? ये value क्या बन रही है? 0.00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 0
स्टूडेंट्स मैं क्या कन्वे करना चाहता हूं, अगर हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम की मास की बात करते हैं तो हम कहते हैं जितना उसका मास नंबर है, फिर आगे बात आती ग्राम्स। हम ग्राम्स, अगर वो ग्राम्स में बोल रहा हूँ, ग्राम तो बहुत बड़े, जैसे 12 ग्राम तो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मास हो गया। मान लीजिए ये पेन है, ये पेन ये 12 ग्राम के पास होगा, इतना बड़ा एटम थोड़ी ना होता है। हमें तो किसी भी एलिमेंट का जो एक एटम है वो दिखता ही नहीं है। जैसे हमारी एयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसियस एलिमेंट्स, ये तो हमें दिखते ही नहीं। तो एक एलिमेंट के एटम का इतना भार तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए हम आपको यहां सोचने के लिए कह रहे हैं, जब भी साइंस शुरू होती है, साइंस का मतलब सोचना। साइंस, साइंस इज बेसिकली एन आंसर टू अ क्वेश्चन, व्हाट, व्हाई, हाउ, इज दैट क्लियर। जब हम इन बातों को ढूंढते हैं इसका मतलब है हम साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जस्ट सी कि एक एटम का मास, कार्बन एटम का मास 0.00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 0
डिग्री हाउ टू मेजर 1 ग्राम, तो 0.1 ग्राम को मेजर करना और मुश्किल है, 0.01 ग्राम को मेजर करना और मुश्किल है, 0.0001 ग्राम को मेजर करना हमारे लिए यहां सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो एक एटम का मास फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, इज दैट क्लियर? तो हम ये पता करेंगे धीरे धीरे, अभी क्यूरियोसिटी बन रही है, अभी कैसे पता करते हैं। तो अभी जो आपको रास्ता सिखलाया जा रहा है कि हम ये जानते हैं कि एक एटम का मास होगा कितना, सिंपली उसको जितना मास नंबर दिया उसको 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये U का वैल्यू है, इसको हम यूनिफाइड मास कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर मुझे एक एटम का मास पता है, इज दैट क्लियर? अगर मुझे एक एटम का मास पता है, क्या मुझे दो एटम का मास पता है? ऑफ कोर्स, यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद टू। क्या मुझे तीन एटम्स का मास पता है? यस, यू मल्टीप्लाई विद थ्री। अगर मैं 100 एटम का मास जानना चाहता हूं, एक एटम का मास पता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैं बात करता हूं कि अगर मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एवोगैड्रो, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन ए एंड दिस इज 6.022 × 10⁻²³। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, 6.022 × 10⁻²³। इसको हमने राउंड फिगर करके लिखा। So this number is a big number, just imagine 6.022 × 10⁻²³। अब curiosity से ये मैं round figure value है, इसको 10⁻²³ see this, it is such a big number. And students, अगर मैं
एवोगैड्रो नंबर क्या है? दिस इज एन एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं एक एटम के मास को, जैसे मैं कार्बन की बात कर रहा हूं, इस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज 6.022 × 10⁻²³ मल्टीप्लाइड बाय 1.66 × 10⁻²⁴। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट थिंक इट प्रॉपरली, ये 10⁻²⁴ है, ये 10⁻²³ है, ये इससे कट गया, 10⁻²⁻¹ हो गया, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.66। ओके, एक बार और, एक एटम का मास क्या था, मल्टीप्लाइड बाय कार्बन एटम का, राइट, दैट वाज 12 ग्राम। तो यहां मैं लिख भी देता हूं, मास ऑफ Na means Avogadro, number of atoms of carbon 12. कितना होगा? एक कार्बन एटम का भार इतना है. I am multiplying this with Avogadro's number. What I get? If I multiply this, this is coming out to be 10 × 12. ये 10⁻¹ है, इंटू 10⁻¹ सी, बहुत इजी कैलकुलेशन कर रहा हूं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 12 ग्राम। वाओ, आई गेट 12 ग्राम। 12 क्या, क्यों वाओ? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। सो थोड़े बेसिक्स के ऊपर वर्क करिए, हर बात बहुत आसान है। अगर मैं एक एटम ऑफ कार्बन की बात करता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज 12U, दैट इज 12 × 1.66 × 10⁻²¹ ग्राम। आई कैन फाइंड मास ऑफ 10, 20, 100, 200, 10,000, राइट, 1 मिलियन, 10 मिलियन, राइट, एंड आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट एटम। अगर आपको एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास पता करना है, तो आप क्या करेंगे, उस एवोगैड्रो नंबर को एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास इस केस में क्या वैल्यू आ गई, 12 ग्राम। ये 12 ग्राम क्या है, क्यों मैं इतना सरप्राइजिंग वे से देख रहा हूं, क्योंकि ये मास नंबर ही था। चलिए, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम 23 मास नंबर है। Can I calculate this? This is 6.022 × 10⁻²³ × 1.66 × 10⁻²¹ × 23C. फिर से वही बात करूंगा, 10⁻²⁻¹ × 23 × 6, 1.66, approximately 10 होता है। This for one cut, 23 grams आ गया। So you just analyze, ये वो ही value है, ये mass number है जो यहाँ मैंने mention किया है। तो अब क्योंकि beginning है, थोड़ा सोचने का वक्त है, क्योंकि नई चीज है, तो जब ये दिमाग में बैठ गई तो ऐसे लगेगा ये था ही कुछ नहीं। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं, एक एटम का मास, जितना मास नंबर उसको यू से लिख दीजिए, एवोगैड्रो नंबर एटम का भार, एक एटम का भार पता है, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसे कर देता हूं, अगर मैं 1.66 से इसको डिवाइड करूं, 1/ करूं, तो ये स्टूडेंट 6.022 × 10⁻²³ आएगा। और अभी बिगनिंग है, क्या हम अगर ये इधर लेके जाते हैं, जस्ट थिंक, डोंट यू फील, इधर वन है, इधर ये वैल्यू है,
राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होती है, इसका मतलब ये आपस में कट के क्या देंगे, वन ही देंगे। तो सिंपली ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, सोचने की जरूरत होती है। पहले अपने आप को कन्विंस कीजिए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.022 × 10⁻², -23 नहीं है। यहां क्रैमिंग को छोड़ना होगा। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, स्टॉप क्रैमिंग, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग। कुछ वक्त लगेगा बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा नंबर स्केल में। उसको अगर मैं यूनिफाइड मास 1.66 × 10⁻²² से मल्टीप्लाई करूं, पहले ये कैलकुलेट करके देखिए, यू विल गेट वन, यू विल ऑलवेज गेट वन। सी 10⁻², 10⁻²³, -1 रह गया, ये 10 बन गया, 10 × 10⁻²। इट मींस शायद कुछ लिंक नहीं बन गया कि इसको यूनिफाइड मास को एक से डिवाइड करो तो एवोगैड्रो नंबर आ गया, तो क्यों मैं एवोगैड्रो नंबर ये नंबर ले रहा हूं। सो अब इतनी देर भाषण देने के बाद अगर मैं बात को सम अप करूं तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप किसी भी एलिमेंट के एक एटम की बात करते हैं तो उसको यूनिफाइड मास में लिखिए, जितना मास नंबर उसके आगे यू लिख दीजिए। पर यू का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, यू इज यूनिफाइड मास, और इसको हम इनिशियली एटॉमिक मास यूनिट कहते थे। तो यू इज 1.66 × 10⁻², ओके। और अगर आप एवोगैड्रो नंबर एटम के भार की बात कर रहे हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू उतनी ही आ जाएगी जितनी हमारे पास उस एलिमेंट का मास नंबर मेंशन किया है। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का मास नंबर 23 है, 23 है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, ओके, ये वैल्यू इससे कट गई, 23 ग्राम्स हो गया। ये अदरवाइज डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। आप होमवर्क के लिए जितने एलिमेंट्स हैं उनका मास नंबर बुक से देखिए, एक एटम का मास यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए वो आ जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर का मास उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही मास आएगा जो मास नंबर हमें गिवन है। तो मैं इसको और इजी कर देता हूं, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज कार्बन 12 इज 12 यू, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C12 इज 12 ग्राम। स्टूडेंट इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, एंड दिस इज द मास ऑफ वन मोल, इसको थोड़ा और क्लियर करके लिख देता हूं, वन मोल ऑफ कार्बन 12। तो सिंपल एज दैट कि मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब है एक मोल कार्बन का मतलब कि मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो जब भी हम एक मोल की बात करते हैं तो उसका मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे हम डजन की बात करते हैं तो उसका मतलब वन डजन मींस दैट क्वांटिटी व्हिच इज कंटेनिंग 12 नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एग्जैक्टली सेंचुरी 100 के लिए हो, इसीलिए मोल हम उस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो सिंपल भाषा में अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसका मतलब वन मोल कार्बन एटम। मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम है, इसका मतलब वन मोल सोडियम एटम है।
मेरे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ लिथियम एटम्स हैं, इसका मतलब वन मोल लिथियम एटम। तो जब भी हम एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं उसका मतलब एक मोल की बात कर रहे हैं। अब इसको जो कुछ पढ़ा है उसको सिस्टम में लेके आने की कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं मेरे पास एक मोल कार्बन है, कार्बन 12 है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मेरे पास 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन 12 है। इज दैट क्लियर? मेरे पास 6.022 × 10⁻²³ एटम्स ऑफ कार्बन 12 है। इतने एटम्स का भार कितना है? कार्बन के एटम्स का भार कितना है? ये कार्बन एटम का भार गिवन ये है, ओके। एक मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर, रिमेंबर दिस इज नंबर। तो अगर मैं एक मोल कार्बन का भार चाहता हूं, एक एटम का भार मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जब मैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? यही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ये कौन सी वैल्यू है? जो मास नंबर की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, जब भी कभी हम एक मोल की बात करते हैं, शायद आपको मेरी बात समझ आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम बात समझ में आ जाए, वक्त लगता है। बार बार रिपीट करिए इन चीजों को। तो जब भी मैं कभी एक एटम की बात करूं, एक एटम के मास की बात करूं, उसको यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, और जब भी मैं एक मोल, उस एलिमेंट के एक मोल की बात करूं, तो मैं क्या करूंगा? उसी मास नंबर को जी से लिख दूंगा। क्लियर? वो 12 ग्राम बन गया कार्बन के केस में। 12 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास। तो 12 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास है। ये किसका मास है? 12 ग्राम इज द मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन एटम। और एक मोल कार्बन का मतलब, मोल का जब भी शब्द मोल आता है उसका मतलब 6.022 × 10⁻²³ जो भी है, अगर एटम है तो एटम। इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन मींस 6.022 × 10⁻²³ एटम्स है, ऑफ कार्बन है। सो प्लीज इसकी रिवीजन कीजिए। मेरे पास, मैं एग्जांपल फिर दोबारा से दे देता हूं, मेरे पास लिथियम है। लिथियम का मास नंबर 7 है। व्हाट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम? 7U। ओके, यू मींस 1.66 × 10⁻²। ओके, अब इतना कम मास है, आप बता रहे हैं कम कितनी वैल्यू? ये देखिए, आप क्या करते हैं, इसको नीचे से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी छोटी हो जाएगी। तो 7 × ये बहुत छोटी वैल्यू है स्टूडेंट्स, छोटी नहीं, बहुत छोटी, क्योंकि ये 7 × 1.66 / 10⁻²² है, 0.00000, सो दिस इज मीनिंगलेस। तो ये मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम है। अगर मैं इस मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ना एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³, एक एटम ऑफ लिथियम का भार कितनी वैल्यू आ गई? ये एग्जैक्टली से कट गया, 7 ग्राम आ गया। सो फिर वही बात आ गई, 7U लिथियम मींस एक एटम का भार, 7 ग्राम लिथियम मींस मास ऑफ वन मोल ऑफ लिथियम 7। वन मोल ऑफ लिथियम 7 मींस एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स, मैं अपना पहला लेक्चर यहां बंद करता हूं। आज जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, ये बहुत क्रिटिकल